नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डीएस राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राठौर क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की महादशा में शुक्र की ही अंतरदशा के फल को लेकर। शुक्र की महादशा हो और उसमें अंतर शुक्र का हो तो यह अवधि 3 वर्ष और 4 महीने की होती है। यदि किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में शुक्र उच्च राशिगत है, मित्र या स्वराशि में है, शुभ ग्रहों द्वारा युति अदृष्ट है, यानी शुभ ग्रहों के साथ युति बन रही है या दृष्टिगत हो रहे हो, यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो अगर शुक्र, तो शुक्र की महादशा में शुक्र की ही अंतरदशा आने पर जातक को अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जातक कम मेहनत करके अधिक लाभ हासिल कर लेता है, उसे कम परिश्रम की तुलना में अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। हायर एजुकेशन और रिसर्च के मामले में जातक को विदेश जाने का सौभाग्य हासिल होता है। प्रेम प्रसंग में भी जातक को सफलता मिलती है। अगर जातक का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो निश्चित रूप से इस महादशा में इसी की अंतरदशा आने पर, यानी शुक्र ग्रह की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आने पर जातक को प्रेम प्रसंगों में सफलता प्राप्त होती है। जातक अपने स्वयं के रख रखाव यानी अपने सजने धजने और संवारने में अधिक धन खर्च करता है। जातक वस्त्र आभूषण सवारी चंदन आदि खुशबूदार पदार्थों की प्राप्ति करता है। जातक इस महादशा में इसी ग्रह की अंतरदशा आने पर उसे स्त्री भोग सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। जातक का जो शरीर है वो तेजोमय कांति में वृद्धि को प्राप्त करता है, यानी जातक का जो शरीर है वो अत्यंत ही तेजोमय हो जाता है, कांतिमय हो जाता है शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आने पर। जातक को राजा से बहुत सारे धन और पुरस्कारों की प्राप्ति होती है। शुक्र की अंतरदशा धन लाभ और समृद्धि की ओर ले जाती है, क्योंकि शुक्र सांसारिक सुख का कारण है, भोग विलास का कारण है, धन का कारक। निश्चित रूप से शुक्र की महादशा में शुक्र की ही अंतरदशा आने पर अगर कुंडली में शुक्र सुप्ता लिए हुए हैं तो जातक को अनेक प्रकार के लाभ भोग ऐश्वर्य मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। जातक को बहुत सारा आराम सहूलियत नए कपड़े विलासिता इत्र और इन सब की प्राप्ति होती है और इन सब पदार्थों से जातक को आनंद मिलता है। शुक्र समाज में बेहतर नाम और प्रसिद्धि भी देता है और इस वजह से जातक को समाज में अपना नाम रोशन होने का सौभाग्य मिलता है, उसे प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। वित्तीय लाभ के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी इच्छाओं की तीव्रता का अनुभव करवाता है शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा। ये अंतरदशा नए रिश्ते लाती है, क्योंकि शुक्र सांसारिक सुख का कारण है। निश्चित रूप से वैवाहिक संबंध और अन्य संबंधों के चलते पुत्र रत्न की प्राप्ति या पुत्री रत्न की प्राप्ति की वजह से घर में नए मेहमान का आगमन होता है, घर में नए रिश्ते होते हैं और मौजूदा लोगों में रोमांस भी होता है। शुक्र रोमांस का कारक ग्रह भी है। ये जातक के विवाहित जीवन में प्यार और जुनून वापिस ले आता है। अगर कोई जातक किसी वजह से प्यार और रोमांस के मामले में अगर वो संवेदनहीन हो चुका है तो वापिस उसके जीवन में प्यार और जुनून आ जाता है। व्यक्ति कलात्मक रूप से झुकाव महसूस करता है और रचनात्मक गतिविधियों जैसे ललित कलाओं इत्यादि का शौकीन हो जाता है। इस अवधि के दौरान जातक को अनेक प्रकार के आनंद सुख भोग और विलास की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि कुंडली में शुक्र अशुभता लिए हुए हैं, निर्बल हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, नीच राशिगत हैं, तो ये स्थिति कुंडली में शुक्र को निर्बल बनाती है, कमजोर बनाती है, अशुभता प्रदान करती है। और अगर ये स्थिति है कुंडली में तो शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आने पर जातक को आर्थिक रूप से हानि का सामना करना पड़ता है। अस्थिर व ईर्ष्यालु चित्त के कारण लोक समाज में जातक की निंदा होती है। धन हानि, ग्रह क्लेश, धातु क्षीणता यानी वीर्य की कमजोरी, बल तथा ओझ का क्षय होता है। तो दोस्तों, ये था शुक्र की महादशा में शुक्र की ही अंतरदशा का फल कथन। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा के फल को लेकर। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।